हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज टॉपिक है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर क्लास सेवेंथ, चैप्टर नंबर 12। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक बहुत ही सिंपल सा वर्जन आप क्लास सिक्स में भी पढ़ के आए हैं, उन्हीं चीज़ों को पहले ध्यान में रखिए। और अगर आपको कोई बेसिक चीज़ों को समझना है तो हमारा चैप्टर सेवन क्लास सिक्स के लिए भी वीडियो है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरेट एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं। चलिए, फर्स्ट है द सम ऑफ ए एंड बी। यू नो ए एंड बी आर द वेरिएबल्स, तो आपने एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें क्या हो, द सम ऑफ ए एंड बी। तो सम ऑफ ए एंड बी, सम का मतलब होता है प्लस, तो यू कैन राइट ए प्लस बी। सेकेंड, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। इट्सेल्फ होता है खुद से मल्टीप्लाई करना, तो आप z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z इंटू z, देखिए बेसिस सेम है, ऊपर की पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो 1 प्लस 1 z 2 हो गया z स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जब आप x और y को मल्टीप्लाई कर लें, देन एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m एंड n को मल्टीप्लाई करें, x इन y को मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड कर दें, तो देखिए दिस इज प्रोडक्ट ऑफ x इन y प्लस प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो ये बन जाएगा xy। x वाई, एक्स इंटू वाई मीन्स एक्स वाई, और m इंटू n मीन्स m n, xy वाई प्लस एम एन। नेक्स्ट इज द कोशेंट ऑफ p बाय 5। कोशेंट ऑफ p बाय 5 का मतलब p को किससे डिवाइड करना है, 5 से, फिर मल्टीप्लाइड बाय q, फिर उस रिजल्ट को आपने q से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले आपने कोशेंट ले लिया, p बाय 5 हो गया, फिर वो रिजल्ट जो है वो q से मल्टीप्लाई हो गया, तो इट विल गिव यू p q ओवर 5। नेक्स्ट वन इज वन हाफ ऑफ z। वन हाफ ऑफ z मतलब z को डिवाइड बाय 2, z का हाफ, एडेड टू द ट्वाइस द नंबर t। और एक नंबर t है उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए वन हाफ ऑफ z, पहले आप वन हाफ ऑफ z करेंगे, उसको किस में ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ t, तो दिस इज 1 इंटू जेड, जेड जेड बाय 2 प्लस 2t, या इस तरह से छोड़ दीजिए, या 2t आप पहले भी लिख सकते हैं, 2t प्लस z बाय 2, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स x एंड z। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर की पावर 2, यहाँ z की पावर 2, स्क्वायर ऑफ z मतलब z को z से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ x मतलब x को x से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 2 प्लस z की पावर 2। सम ऑफ नंबर्स x एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो सम देखिए, सम मतलब दोनों को प्लस करना, प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन x इंटू z, फिर फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट माइनस सम, सो दिस विल गिव यू एक्स जेड माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेपरेट कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ आपको नीचे नंबर्स दिए हैं, कुछ टर्म्स दिए हैं, उनमें कुछ वेरिएबल वाली टर्म है, कुछ कांस्टेंट है। वेरिएबल वाली टर्म्स क्या होती हैं, जिनमें आपके पास अल्फाबेट्स लगे होते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड पी टी, इस तरह के नंबर्स। और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो खाली काउंटिंग होती है, जैसे 7 हो गया, 249 हो गया, कोई भी नंबर लाइक। सो आपने इनको सेपरेट करना है वेरिएबल टर्म्स में और कांस्टेंट टर्म्स में। तो टर्म्स आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, दिस इज 7 एक्स वाई 3x square by 2, 72 by 3 minus 8z upon 3x square and 72 by 3z. Now, आप इस तरह से दो कॉलम्स अरेंज कर लीजिए,
कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स. अब फर्स्ट देखिए क्या है, कॉन्स्टेंट 7 खाली है ना, उसके साथ कुछ भी ए बी सी एक्स वाई वेरिएबल कोई नहीं है, तो वो यहाँ आएगा. और देखिए एक ये है 72/3, बाकी सब के साथ एक्स वाई एक्स स्क्वायर जेड कुछ ना कुछ है, तो ये सारी वेरिएबल टर्म्स हो गई, बाकी जो खाली काउंटिंग थी वो कॉन्स्टेंट टर्म्स हो गए. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द टर्म्स एंड द फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनके आपने टर्म्स बतानी हैं और फैक्टर्स बताने हैं. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3yz. सो इसमें टर्म्स कहाँ कितनी हैं? अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ये एक टर्म है ये दो टर्म है. नो, दिस इज नॉट. जब ये एक ही टर्म मानी जाएगी जब तक वो प्रोडक्ट में है, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तब हम बोलेंगे कि दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई. तो यहाँ टू टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर एक टर्म है और दूसरी टर्म क्या है 3yz. प्लस 3yz है, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस को मेंशन किया जाता है. सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2, मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स. और ये टर्म जो है दिस इज 3 × y × z, इसमें पावर 1 थी इसलिए हमने इनको एक एक बार लिखा. नेक्स्ट इज 15x² y + 3xy². सो टर्म्स यहाँ पे भी दो ही हैं, देखिए टर्म्स आर 15x² y एंड सेकेंड इज 3xy² और फैक्टर्स आर 15x² देखिए मतलब x दो बार, तो 15 × x × x × y और 3 × x × y × y. नेक्स्ट इज सी पार्ट, दिस इज -7xyz² आप देखिए ये चाहे देखने में इतनी बड़ी लग रही है बट दिस इज वन टर्म, क्योंकि इनके बीच में सबके बीच में कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होता मतलब वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है. तो ये टर्म एक ही है -7xyz² और फैक्टर्स बन जाएंगे -7 × x, y और z जो है दो बार है तो z × z. नेक्स्ट इज 100pq + 10p² q². सो टर्म्स आर अगेन टू टर्म्स, 100pq एक एंड 10p² q². अब इसके फैक्टर्स लुक एट द फैक्टर्स, 100p × q और 10p² p² का मतलब p दो बार और q भी दो बार, सो दीज आर द फैक्टर्स. नेक्स्ट इज ई पार्ट, xy + 3x² y² अगेन टू टर्म्स, xy और 3x² y², फैक्टर्स आर x × y और 3x दो बार x × x, y की पावर 2y × y. नेक्स्ट इज -7x² yz + 3xy² z + 2xyz². सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ये 1, ये 2 और ये 3. थ्री टर्म्स आर देयर, तो आपने उनको ऐसे ही लिख लेना है, -7x² yz, 3xy² z, 2xyz² एंड फैक्टर्स आर -7 × x × x, y और z, 3 के साथ x एक बार y दो बार और z, और यहाँ 2 × x × y × z × z. दीज आर द टर्म्स एंड द फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. स्टूडेंट्स मोनोमियल मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म है, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स. तो ये आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं 7x + 3y, देखिए ये वन टर्म हो गई, ये टू टर्म हुई तो बाइनोमियल. नेक्स्ट इज 5 + 2x² y² z. सो 5 इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज अगेन बाइनोमियल. नेक्स्ट इज ax + by² + cz² 3 टर्म्स हैं, दिस दिस एंड दिस 3 टर्म्स, तो दिस इज ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज 3x² y² सिंगल टर्म है ये, इसको हम 3 टर्म्स नहीं बोलेंगे, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आए टर्म नहीं बदलती, सेम टर्म रहती है, सो दिस इज मोनोमियल. नेक्स्ट इज 1 + x, ये 1 इज वन टर्म एंड x इज सेकेंड टर्म, बीच में प्लस का साइन है, सो देर आर 2 टर्म्स, तो दिस इज बाइनोमियल. नेक्स्ट इज 10 मोनोमियल, जी पार्ट 3/2p + 7/6q, सो दिस इज बाइनोमियल, अगेन 2 टर्म्स.
क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनके न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स. न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर से रिलेटेड, तो उनके नंबर वाले कोफिशियंट्स बताने, यानी कि जो उनके साथ काउंटिंग लगी है आपने वो बतानी है. तो फर्स्ट पार्ट इज, इसको आप कुछ इस तरह से अरेंज कर लीजिए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और आपने उनका न्यूमेरिकल कोफिशियंट इस तरह का कॉलम बना के आगे लिख लेना. सो फर्स्ट इज ए पार्ट 2x. अब देखिए यहाँ नंबर क्या है, 2, तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट इज 2. दिस इज -3/2 एक्स वाई जेड. अपार्ट फ्रॉम एक्स वाई जेड और क्या है नंबर, -3/2. प्लस माइनस आपने साथ लेना है, प्लस हो तो हम लिखते नहीं है बट माइनस हो तो उसको मैंशन करना है. नेक्स्ट इज 7/2 एक्स स्क्वायर पी. सो हेयर द न्यूमेरिकल कोफिशियंट इज 7/2. नेक्स्ट इज -p²q². अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, नंबर कोई नहीं है बट 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट. जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है कोफिशियंट 1. दिस इज द माइनस साइन, सो इट इज -1. नेक्स्ट इज -5mn². तो -5 इज द न्यूमेरिकल कोफिशियंट. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स. जो हमें एक पेयर ऑफ टर्म्स दिया है, मतलब टू टर्म्स इकट्ठे दी हैं या ग्रुप दिया होगा, 3 दिए होंगी, तो उनमें आपने बताना है कि क्या वो लाइक हैं या अनलाइक हैं. लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स कैसे बनती हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम हों. अगर वेरिएबल सेम है, जैसे ए के साथ भी ए लगा, दूसरी के साथ भी ए लगा है, तो आप बोलेंगे दीज आर लाइक टर्म्स. अगर एक के साथ एक्स लगा, दूसरी के साथ ए लगा है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स. सो फर्स्ट इज -3y और दूसरी टर्म है -7/8y. देखिए इनका वेरिएबल सेम है कि नहीं है, वेरिएबल इज सेम. न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स को आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वेरिएबल्स को देखेंगे, तो वेरिएबल्स आर सेम, दे आर लाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज -32 and -32x. देखिए एक के साथ x लगा, एक के साथ नहीं लगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल वाली है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज 3x²y और एंड 3xy². पहले में x को स्क्वायर है, दूसरे में y को स्क्वायर है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. डी पार्ट इज 14mn²q. देखिए इसमें q मिसिंग है, इसमें q है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. ई पार्ट इज 8pq 32pq². सो ये भी वेरिएबल सेम नहीं है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज 10 and 15. दोनों ही कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, सो दीज आर लाइक टर्म्स. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट द कोफिशियंट ऑफ. आपको कुछ कोफिशियंट टर्म्स दी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसमें आपको जो टर्म बोली है उसका कोफिशियंट बताना है. कोफिशियंट ऑफ एक्स इन x²y. आपकी टर्म क्या है, x²y. इसमें आपने x का कोफिशियंट बताना है, ठीक है. आप बोलेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो x² है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे. लाइक x²y को क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कीजिए x, x और y, x into y. अब देखिए इस x को छोड़ के x का कोफिशियंट बताना है, मतलब x को छोड़ के जो पीछे सारी टर्म बचती है, दिस इज द कोफिशियंट. तो आप लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई. नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड का कोफिशियंट बताइए. टर्म है 15x²yz. अगेन इसको भी उसी तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 15x (x)(y)(z). ठीक है, तो यहां पे आप एक्स वाई जेड को छोड़ दीजिए, ये इसका कोफिशियंट पूछा है ना, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 15x. सो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड इज 15x. नेक्स्ट इज कोफिशियंट ऑफ 3pq² इन 3p²q²r². तो 3pq², 3pq² को छोड़ दीजिए, एक p बच गया और ये r² बच गया. आप इसके भी फैक्टर्स करके देख लेंगे, दिस इज pr² उस टर्म को, इसको छोड़ के बाकी जो बचता है दैट इज द कोफिशियंट.
एम स्क्वायर इन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए एम स्क्वायर का कोफिशेंट बताना है, बट ये टू टर्म्स हैं, यहाँ पे वन टर्म नहीं है, तो इसमें कोफिशेंट ऑफ एम स्क्वायर क्या आएगा? एम स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, वन है। इसको नहीं लेना क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्लस है, तो ये टू टर्म्स हो गई। हमें सिर्फ एम स्क्वायर का कोफिशेंट चाहिए, दैट इज वन। नेक्स्ट है एक्स वाई इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इसमें भी थ्री टर्म्स हैं, आपको सिर्फ इसमें देख के एक्स वाई का कोफिशेंट बताना है। तो एक्स वाई का कोफिशेंट क्या आएगा? कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई इज एक्स एक्स वाई। कैसे? देखिए एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स वाई को छोड़ दीजिए, व्हाट इज लेफ्ट? एक्स एंड वाई, दैट इज अ कोफिशेंट। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होती है? देखिए ट्री डायग्राम में हम मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे बनाना है। फैक्टर्स भी उसी तरह से करने हैं जिस तरह से हमने पीछे किए हैं। पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके फैक्टर्स, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। सो फर्स्ट इज 12xy प्लस 7x2। टर्म्स आर, इसमें टर्म्स क्या हैं? एक तो 12xy है, दूसरी 7x2 है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। और इसमें हमने ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम क्या होगा? पहले आप ये लिख लीजिए इस तरह से, आप उसके दो टर्म्स हैं तो ऐसे दो एरोज बना लीजिए। उसमें पहली टर्म लिखिए 12xy, दूसरी लिखिए 7x2, फिर उसके फैक्टर्स आ जाएंगे 12 इंटू एक्स इंटू वाई, और इधर आ जाएगा 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। दो बार है तो 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। फैक्टर्स बिल्कुल सेम बनाने हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3mn स्क्वायर माइनस पी क्यू आर। नाउ लुक, ये एक्सप्रेशन हो गया, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3। हमने 3 एरोज लगा के, 3 इस तरह के बना के हमने 3 टर्म्स लिख ली। दिस इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दिस इज 3mn स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस पी क्यू आर। अब हमने इसके फैक्टर्स कर देने हैं, तो देखिए नीचे इसके फैक्टर्स लिखने हैं। कई अगर आप ये ऐसे डॉट भी डाल दोगे ना बीच में, तब भी उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आप मल्टीप्लाई लिखोगे तब भी वो करेक्ट है। दिस इज पी स्क्वायर, पी इंटू पी और क्यू इंटू क्यू, दिस इज 3 इंटू एम इंटू एन इंटू एन। दिस इज, यहाँ कुछ नहीं है, माइनस है, तो माइनस 1 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। हेयर इज सी पार्ट, 2x2 y square plus xyz square plus zy. Three terms are again here, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3, these are the terms. And उसके बाद हमने इसके factors, 2 into x into x, y into y, और यहाँ x, y, z into z. बीच में या multiply या dots आप डालेंगे, dot भी डाल देंगे तब भी गलत नहीं होगा, और multiply लिखेंगे तब भी ठीक है, और zy, zy. Next is 3/2x³ plus 2x2 y² minus 7y क्यूब। अगेन थ्री टर्म्स, उसी तरह से हमने इनको लिख लिया, 3/2 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, माइनस 7 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इट इज MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। सिर्फ वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो क्या होता है वो? यस राइट, इट इज मोनोमियल। तो हम इसमें मोनोमियल को टिक कर देंगे, ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन 8 - x + y। अब देखिए ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये थ्री टर्म्स हैं, तो इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है? कोई नंबर नहीं लिखा और माइनस है, तो -1 हो गया, -1, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। कुछ आपको टर्म्स दी हैं जैसे पेयर्स एंड या ग्रुप्स दिए हैं, उनमें लाइक टर्म्स बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस आर 7x, 12y, 15x, 12x, 3xy, 3x एंड 2y, -2yx। सो आप देख लीजिए ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सिर्फ बी पार्ट में सेम वेरिएबल है x एंड x, तो बी इज द राइट आंसर। पार्ट 4 इज टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म। टर्म्स को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ देख लीजिए ऑप्शंस हैं एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फैक्टर्स। तो एक्सप्रेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।